कुछ दवा है जो कि बकरी पालन में भी यूज किया जाता है, गाय पालन में भी पोटेशियम पर मैग्नेट है दोस्तों। और दोस्तों आज हम एक ऐसे दुकान पे हैं जहाँ पे किसानों से संबंधित सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यह चट्टी जाल है, यह सभी तरह के किसानों के लिए उपयोग में होता है, चाहे वो मछली पालन करते हो या फिर बतख पालन करते हो या फिर खेती बाड़ी करते हो दोस्तों। यह देख सकते हैं रस्सी वाला जाल है, जो धागा वाला जो जाल होता है वो भी है। और दोस्तों रस्सी वगैरह से लेकर के आपको मछली पालन से संबंधित हर एक तरह का प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं मछली के लिए जो जाल आता है वो भी है, और यहाँ पे जीरा भी मिलता है, मछली का जो जीरा होता है, रोहू कतला या फिर जितने भी सभी प्रकार के जो मछली का जीरा होता है सभी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यहाँ पे दुकान पे आके भी ले जा सकते हैं, दुकान पे विजिट भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हो वहां से भी मंगवा सकते हैं इनके नंबर पर संपर्क करके, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूँ मनीष कुशवाहा। दोस्तों हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर प्रणव भैया से। प्रणव भैया अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम प्रणव है, मैं हमारे दुकान का नाम मक्किनो फिश सीड सेंटर है। हमारा दुकान पटना के मीठापुर में स्थित है। सभी प्रकार का मछली का जीरा और उससे संबंधित मछली पालन से संबंधित सारा सामान हम लोग डिलीवर करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप पास कितने तरह के प्रोडक्ट हैं? हम मछली पालन संबंधित सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बेसिक यूज में आता है मछली पालन में वो सारा, जीरा से लेके जाली, जो अलग अलग प्रकार के जाली होते हैं, रस्सी हो गया, ग्रोथ बढ़ाने का दवा है, और भी जो दवा मछली पालन में लगता है वो सब कुछ है। अच्छा एक बात बताइए, कोई नया किसान भाई जैसे मछली पालन, मुख्य रूप से तो आप मछली पालन का प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो मतलब किस सीड से करें? मतलब बहुत सारे आते हैं रोहू कतला, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो छोटे पैमाने पर करना चाहते हैं पॉन्ड बनाकर, मतलब बायोफ्लॉग में नहीं, पॉन्ड बनाकर छोटा तालाब बना के करना चाहते हैं, वो लोग किस सीड से करें? देखिए अगर डिपेंड करता है साइज क्या है तालाब का, एक बीघा का तालाब है तो फिर कार्प मछली के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कार्प मछली दो टाइप की होती है, एक विदेशी कार्प एक देसी कार्प। देसी कार्प में अपना IMC है, इंडियन मेजर कार्प, रोहू कतला मृगल, ये देसी कार्प है। इसका जो बढ़ने का समय होता है ये लगभग 1.5 साल का समय लेती है बढ़ने में। और जो विदेशी कार्प होती है जिसको एग्जॉटिक कार्प कहते हैं, जैसे ग्रास कॉमन, बेगेट, सिल्वर, ब्लैक कार्प, ये सब आमूल कार्प, ये सब साल भर में तैयार हो जाती है। जैसे आमूल कार्प का अच्छा ग्रोथ है, एक साल में 1400-1500 ग्राम चली जाती है। ये ग्रास कार्प लगभग एक साल में 1 किलो की हो जाती है, बिगड़ 10 महीने में तैयार हो जाती है। तो जो विदेशी कार्प है जल्दी तैयार हो जाती है, और लेकिन उसके लिए बड़ा तालाब चाहिए रहता है, सबसे कम 1 बीघा का होगा तो अच्छा रहेगा। क्या रेट वगैरह होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कार्प मछली है, जैसे विदेशी कार्प है जो कुछ इसमें रखा हुआ है, ये 1.5 इंच का साइज है, ये सब 90 पैसा पीस करके रेट रहता है। इस रेट में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन करके भी दे दूंगा, जो भी आपका पास का नियरेस्ट जंक्शन रहेगा वहाँ पे। पंगास मछली है तो पंगास मछली का जैसे रेट अभी 1.60 रुपया चल रहा है, कभी ये सेम जो 1.60 में अभी रेट बता रहा हूँ, ये दो सीजन स्टार्ट हुआ था तो 2.20-2.40 करके रेट था, धीरे धीरे अभी जैसे बल्क में इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो रेट डाउन हो गया है। अच्छा 300 लाइन 500 लाइन का पंगास का रेट अलग है, जैसे 500 लाइन का अभी 2.40 रुपया रेट है, 300 लाइन का 3.20 रुपया है, रेट तो थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता ही है। और सिंगी मछली 3.20 रुपया की है, 3 इंच के साइज की, 2.5 रुपये का है, 2 इंच के साइज का, ऐसे हर प्रजाति का रेट अलग है। आमूल कार्प 1.65 रुपया, इस टाइप से रेट रहता है। जो भी मैं रेट बता रहा हूँ ऐसा नहीं बोलेगा कि क्वांटिटी के ऊपर भी रहता है, 2000 मछली का रेट अलग है, 20000 मछली का, 10000 का रेट अलग है। ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में रेट कम बैठता है, तो हम मछली में भी रेट कम कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सब का रेट फ्लैक्चुएट होते रहता है, कभी कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 होते रहता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे और सभी प्रोडक्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में टारपोलिन आप रखे हुए हैं, इसका क्या यूज है? ये तो वेजिटेबल ग्रो बैग है, इसमें फल सब्जी छत पे जो अपना सब्जी उगाना चाहते हैं उसके उनके लिए, और जैसे कोई मछली बेचता है अपना रिटेलिंग करते हैं तो जैसा तसला हो गया उस टाइप का ना लेके भारी हो जाता है, तो ये पोर्टेबल है, ये अपना मछली बेचने के काम में इतना बड़ा है, इतना बड़ा लेके कैसे जाए? नहीं ये फिर पोर्टेबल है, ये छोटे साइज में आता है, पैकिंग में रहता है, ये साइज है इसमें, बंद होके लगता बड़ा, मतलब उसको अगर पोर्टेबल अगर उसको मोड़ा जाएगा तो इतना छोटा बनेगा, ये ऐसे पैकिंग रहता है। अच्छा, और उसमें कलर मछली करने का जिनको शौक है वो भी कर सकते हैं, बेसिकली पेड़ पौधा उगाने के लिए छत पे। अच्छा ये जो चट्टी जाल वगैरह है इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्या रेट में आप सेल करते हैं? ये भी ऑनलाइन सेल करते हैं? और हाँ दुकान पे भी आके ले सकते हैं, किसको चाहिए तो दूर भेज भी देंगे। अच्छा ये जैसे 50 मीटर का है, ये 1050 रुपए का है जी, और इसका जो लेंथ है 164 फीट का है, 50 मीटर लेंथ है इसका। अच्छा और 4.5 फीट हाइट है, खोल के आप दिखाना चाहे इसका हाइट तो हाँ दिखा सकते हैं, ये इसका पूरा हाइट है जमीन से लेके यार इतना हाइट है, 4.5 फीट हाइट है इसका, 50 मीटर है। हाँ रेट क्या बताए हैं? 1050 रुपए का है। अच्छा 1050 रुपए। हाँ इससे भी थोड़ा और हैवी क्वालिटी में भी है, इससे थोड़ा डाउन क्वालिटी में भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये 650 रुपए का है, आप थिकनेस
मोटाई देख के भी पता चल रहा होगा उसके अब एक साइज का थोड़ा पतला है। हाँ थोड़ा पतला है, ये 650 रुपये का है और इसका 35 मीटर का लेंथ है, 115 फीट हुआ और 4.5 फीट हाइट हुआ और इससे भी जो 1050 का दिखाया मैंने उससे भी हैवी क्वालिटी फिर ये रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये 1450 रुपये का है, ये वजन में भी आपको देख के समझ आ रहा होगा कि भारी है काफी। हाँ ये इसका भी लेंथ वही है 50 मीटर मतलब 164 फीट लंबाई 4.5 फीट हाइट। अच्छा, ये महाजाल बनाने में काम आता है। अच्छा, मछलियों का जाल बड़ा थी जो आदि करने के लिए के भी और जो तो वो भी काम है। अच्छा अच्छा, महाजाल बाउंड्री के लिए तो मुख्य रूप से वो 1000 रुपये वाला ज्यादा सेल होता है वो। ये तो महाजाल के लिए ज्यादा मजबूत है ना। ऐसे सबसे ज्यादा आपका सेलिंग कौन सा है इसका? तीनों का जिनका जिनका डिमांड है वैसा डिमांड के अनुसार 19-20 है सबको ऑलमोस्ट ठीक है सेलिंग अच्छा है। जाल वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जाल ये बर्नेट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पंछी जो बच्चा खाता है उसे बचाव के लिए किया जाता है। ये 550 रुपये के जी है, इसमें दो तरीके का गैप का है। अभी मेरे पास ये छोटा गैप है, ये लगभग 1 किलो में आपका 1800 से 2000 स्क्वायर फीट कवर करता है। फिर एक बड़ा गैप वाला आता है, ये जैसे गैप बड़ा है, जैसे उसमें 3 उंगली का गैप था, इसमें लगभग 8 उंगली का गैप है, तो ये 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट कवर करता है 1 किलो में। किलो में दोनों का रेट सेम है, फिर थोड़ा अच्छा क्वालिटी में जो लॉन्ग लास्टिंग हो लगाना है तो फिर ये लगा सकते हैं। ये 390 रुपये के जी है और ये लगभग 25 फीट इसका चौड़ाई है और लेंथ तो जितना लेंगे, जैसे 13 किलो का बंडल है तो लेंथ तो बहुत लंबा आ जाता है। ये 1800 से 2000 स्क्वायर फीट 1 किलो में कवर करता है। इसी में ट्रेल में फिर एक और क्वालिटी है, मैं दिखा देता हूँ। जो धागा उसमें यूज़ हुआ है सेम इसमें भी यूज़ हुआ है, बस इसका गैप छोटा है। ये पोल्ट्री फार्म में भी चलता है, पोल्ट्री फार्म में भी लगाया जाता है। इसका लेंथ जो 1 किलो में आता है वो 72 फिट लेंथ आता है और हाइट जो आता है वो 8 फिट 9 इंच आता है, मतलब 9 फिट में 3 इंच हाइट जो इसका चौड़ाई है वो कम है। और ये 370 रुपये के जी है। ये कौन सा जाल है? इसको ये घुमा के ऐसा फेंका जाता है, ऐसा जून में से आगे फेंका जाता है। हाँ, में। हाँ, ये मछली पकड़ने में काम आता है। नीचे इसमें नट बोल्ट ये सब लगा हुआ है कि नीचे बाहर से झुक जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये 1200 रुपये पे है। अच्छा अच्छा, ये क्या प्रोडक्ट रखे हुए हैं आप? ये सब ग्रोथ बढ़ाने के लिए मिनरल मिक्सचर है। अच्छा अच्छा। हाँ ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये 10 kg का है और अलग अलग वेट का भी, जैसे 20 kg का भी है नीचे रखा हुआ है। अच्छा, वो भी है ग्रोथ बढ़ाने के लिए। हिमालय का भी आता है, वो भी ग्रोथ और लिवर के लिए रहता है ग्रोथ के लिए, और भी 1 लीटर 2 लीटर का भी आता है। अच्छा, मछलियों में ये किस मुख्य रूप से कैसे प्रयोग किया जाता है इन सब दवाओं का? जो ग्रोथ बढ़ाने का दवा है वो खाना में मिला के दिया जाता है, खाना में 1/2 घंटा या 20 मिनट तक मिला के छोड़ दिया जाता है ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद कोई मछलियों को दे दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और दवा का भी आप पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ, आप कोई सवाल है तो बताइए दवा रिलेटेड। दवा जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है तो इसका क्या यूज किया है सो बताइए। ये सैनिटाइज करने के लिए किया जाता है, जब मछली का जीरा आता है तो दूसरे तालाब से दूसरे तालाब में जब जाती है मछली तो उसको इन्फेक्शन लगने का डर होता है और टेम्परेचर भी चेंज होता है, एक तालाब का टेम्परेचर अलग है, तो उसको सैनिटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सीफेक्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। बट ज्यादा पोटेशियम ही चलता है। सीफेक्स का जो मेन यूज है वो जब फंगस या अल्सर लग जाता है मछलियों में तब यूज किया जाता है। ये सालों भर तालाब पे होना चाहिए कि कभी भी लगे तो तुरंत आपके पास इमिजिएटली मौजूद होना चाहिए। फिर एक क्लीनर दवा है, ये पानी में जब कीड़ा लग जाता है तो ये यूज होता है। ये मछली कीड़ा जो लगता है वो मछली के जीरा को भी डैमेज करता है। अच्छा, मांगुर मछली का आजकल पालन काफी कम देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? ये काफी कम होते जा रहा है और नेक्स्ट ईयर से और भी कम हो जाएगा। अभी जैसे लास्ट ईयर अच्छा ऑर्डर रहता था मेरे पास, अभी कम हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर अब मैं मना भी करने लगा हूँ मांगुर मछली के पालन करने के लिए, क्योंकि जैसे एक तो बैन है, सरकार बैन भी की हुई है और इसमें ग्रोथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा अपने कस्टमर्स जो मेरे कस्टमर हैं इसमें 2 इंच 3 इंच और 5 इंच साइज आता है, तो सक्सेस रेट है वो 5 इंच का ज़्यादा है और 2 इंच का तो बहुत ख़राब सक्सेस रेट है, क्योंकि 2 इंच वाला मछली है वो उसमें बीमारी भी जल्दी पकड़ लेता है और फिर वो जैसे 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर कोई 2 इंच का रह गया, कोई 5 इंच 4 इंच का भी चला जाता है, तो जो बड़े साइज की मछली रहती है वो छोटे को खा जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसका मूवमेंट भी बहुत एक्टिव, जैसे पंगास मछली है, बहुत एक्टिवली मूव करती है, तो उसको मेढक सांप जल्दी नहीं पकड़ पाता। ये सुस्त मछली है जिसको जल्दी मेढक सांप पकड़ लेता है, तो आप जितना भी डालेंगे उतना निकलता नहीं है, बहुत कम निकलता है, खुद भी खाती है, कैनोवोलिज्म कहते हैं इसको, जो खुद के प्रजाति को खा जाती है और दूसरे प्रजाति भी इसको इजिली अटैक कर देते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो ये नहीं पालन करे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इस कारण से मांगुर मछली अब खत्म हो रही है।
का है कि बहुत पहले काफी चलन में था मांगुर मछली, अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है इसका। अभी सबसे बेस्ट मछली कौन है जो अगर कोई नया किसान भाई शुरू करना चाहते हैं? अभी रूपचंद का अच्छा मार्केट चल रहा है और पंगास मछली का अच्छा मार्केट चल रहा है। अच्छा, और जिनके पास तालाब बड़ा है, एक बीघा दो बीघा इस टाइप से, तो वो लोग विदेशी कार्प का ज्यादा पालन कर रहे हैं। ग्रास कार्प जैसे तीन चार प्रजाति मिला के विदेशी कार्प में, जैसे ग्रास कॉमन बिगट, कॉमन तो उतना अच्छा नहीं है, कॉमन कार्प ग्रोथ तो अच्छा करता है बट वो बच्चा जल्दी छोड़ देता है 6-7 महीने में। अच्छा, तो मेरा पर्सनल सजेशन तो नहीं रहेगा, और वो मेड़ भी काट देता है, मिट्टी काट देता है। अच्छा अच्छा, तो उसके बेटर ऑप्शन है अमूल कार्प। अमूल कार्प का ग्रोथ अच्छा है और वो बच्चा नहीं छोड़ता है, 1 साल में 1400-1500 ग्राम जाता है अमूल कार्प। और जैसे ब्लैक कार्प पर भी अच्छा डिमांड चल रहा है, घोंगा को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है, बिगा में 100 पीस ही डाला जाता है जी। हाँ, अगर कोई छोटा मछली पालन का सेटअप करना चाहते हैं तो लगभग कितना खर्च उनको पड़ेगा, एक आइडिया एवरेज बताइए? छोटा जैसे 8,000 स्क्वायर फीट का एक तालाब मैंने बनाया था, उसमें 72,000 रुपए का खर्च मेरा बैठा था। अच्छा, तालाब बनाने में? हाँ, 8,000 स्क्वायर फीट का लगभग तालाब बनाने में 72,000 रुपए लगा था, 3-4 साल हो गया जी। अभी का 10,000 रुपए बढ़ गया होगा दाम ठीक, अगर उसको अभी के दाम में 80,000 मान के चलिए, जो 72,000 का 3-4 साल पहले था, अभी 80 के करीब लगना चाहिए जी। और एक बीघा का तैयार करने में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए लगता है। अच्छा, जेसीबी से करवाने में, और ट्रैक्टर से मुझे आइडिया नहीं है कितना लगता है, जेसीबी का पता है मुझे। ये तो तालाब बनाने का खर्च हो गया, और उसके बाद मछली पालन का खर्च। एक बीघा में आप कवर करेंगे जाली से, चट्टी जाल से, तो 3,000 रुपए के आसपास में कवर हो जाएगा, 3-3.5 हज़ार रुपए में, और जो ऊपर का बर्ड नेट रहेगा, मतलब 6-7 हज़ार रुपए में आपका जाल कवर हो जाएगा। ये 3-4 साल जाल का लाइफ होता है, चल जाता है। अच्छा अच्छा, और फिर 10-20 हज़ार रुपया डिपेंड करता है कितना मछली डाल रहे हैं, लेकिन एक एवरेज ले लीजिए 10-20 हज़ार रुपए का मछली का जीरा हो गया, 6-7 हज़ार रुपए का जाली हो गया, और जितना बड़ा आप जैसे 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए एक बीघा का पुताने का खर्च हो गया, तो लगभग आप 3-3.5 लाख रुपए में आपका तालाब बन गया, जाली हो गया, मछली डला गया, और उसके बाद आप 1-2 लाख रुपया लेके चल सकते हैं साल भर का खाने पीने का खर्चा लेके। पंगास मछली है तो थोड़ा खाने का खर्चा ज़्यादा है, अगर आप नेचुरल खाना उसका जानते हैं कि क्या क्या खा सकती है, तो अभी मैं लंबा बताऊंगा तो 25-30 मिनट का वीडियो हो जाएगा कि क्या क्या खाती है। तो अभी जैसे रूपचंद का बता देता हूँ, जैसे एजोला नेचुरल खाना दिया जा सकता है उसको, सरसों कली मकई का दर्रा उबाल के दिया सकता है, पंगास को भी मकई का दर्रा उबाल के दिया सकता है। कमर्शियल फीड तो सारी मछली खाती है एक्सेप्ट चीतल मछली, उसके अलावा सब मछली खाती है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने बड़े तालाब में कौन सी मछली डलती है। अभी कुछ 2-3 प्रजाति का मैं बता देता हूँ कि कौन से साइज, कौन से कितने एरिया में कौन सी मछली रहती है। तो जैसे 10,000 जैसे एक बीघा का तालाब है, तो उसमें अगर विदेशी का ग्रास कॉमन बिगेट ये सब डाल रहे हैं तो 10-12 हज़ार मछली तक आप डाल सकते हैं। अगर देसी का डाल रहे हैं, मतलब रोहू कतला मृगल, तो 5,000 एक बीघा में डलेगा। जो आजकल IMC का थोड़ा कम हो गया है कल्चर, विदेशी का आपका बढ़ चुका है, क्योंकि IMC बढ़ने में बहुत समय लेती है, 1.5 साल ले लेती है, और मृगल जो है वो लगभग 2 साल ले लेती है। तो अभी विदेशी का आपका प्रचलन ज़्यादा चला हुआ है और अच्छा भी है, ग्रोथ भी अच्छा रहता है, और रेट भी वही रेहू कतला वाला मिल रहा है। रूपचंद का भी अच्छा है, रूपचंद का मैं बता दूँ 2 स्क्वायर फीट पर एक मछली डाला जा सकता है, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो 5,000 डाला जा सकता है। पंगास मछली जिसको जासर प्यासी कहते हैं, वो 10,000 स्क्वायर फीट में 10,000 डाला जा सकता है, पर स्क्वायर फीट एक डाला जा सकता है। और विदेशी कार्प और देसी कार्प को बताई दी, और ब्लैक कार्प है, ब्लैक कार्प एक बीघा में 100 पीस डाला जाता है, वो घोंगा को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है, और वो साथ ही साथ 1 साल में 3 किलो प्लस वेट चला जाता है, 6 महीना में 1 किलो हो जाती है, 1 साल में 3 किलो प्लस चला जाता है। अगर बीघा में 100 पीस है तो ज़्यादा डाल देंगे 1,000-2,000। अच्छा, तो ग्रोथ वो नहीं आएगा। जितने मछली का प्रजाति के नाम आप बताए हैं, सभी को आपके पास अवेलेबल है? सभी रहता है, अभी अभी तो सबका ही सीजन है। अगर कोई किसान है जिसे आपसे संपर्क करते हैं, तो कितने समय बाद उनको आप अवेलेबल करवा सकते हैं? जिस दिन ऑर्डर हम लोग लेते हैं, जैसे आज पेमेंट के आज ऑर्डर आया, तो हम लोग 4 दिन का समय लेते हैं, 4 दिन के अंदर, 1 दिन में भी डिलीवरी दे सकते हैं, 4 दिन में दे सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो एक तो कंडीशनिंग करने का हम लोग समय लेते हैं, कंडीशनिंग बोले तो मछली को तैयार करने के लिए, तो हापा नेट होता है, हापा नेट में डाला जाता है, हापा नेट में ये दिखा देता हूँ, इसको कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ये पानी के अंदर रखा जाता है, तालाब के अंदर लगा हुआ रहता है जी, और इसके मैं मछली को 1 दिन तक रखा जाता है, ताकि जिसको डिलीवरी डिलीवर करना है वो उसका खाना छोड़ दिया जाए, ताकि जब ऑक्सीजन पैकिंग में जाए तो उसका वेस्ट ना निकले, वेस्ट नहीं निकलता तो अमोनिया नहीं बनता है, अमोनिया कंट्रोल रहेगा तो मछली सर्वाइव करेगी ट्रांसपोर्टेशन में, इसके लिए समय लिया जाता है। और हम लोग जैसे 4-5 ऑर्डर इकट्ठा होता है, एक पिकअप माल बढ़ता है तो स्टेशन भेजते हैं वहाँ से डिलीवरी के लिए, इसलिए भी समय लिया जाता है 4 दिन का, 4 दिन के अंदर कभी भी डिलीवरी दे सकते हैं। अच्छा, आइए एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एजोला ग्रो बैग है, एजोला उगाने में काम आता है। एजोला में जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, हरे रंग का पत्ता होता है, 3 मुंह का पत्ता होता है, पानी के ऊपर पूरा फैल जाता है, तो ये उगाने के लिए उसको रहता है, जिस तालाब में मछली है तो उसमें उगने मछली नहीं देगी, जो मछली खाती है। तो मैं खोल के दिखा देता हूँ,
ये 12x6 इसका साइज है, मतलब इसका जो लेंथ है ये 12 फिट है और इसका जो चौड़ाई है ये 6 फिट है, ऐसे जो चौड़ाई है इसका ये 6 फिट है। ये अजोला उगाया जाता है इसमें, अजोला रूपचंद मछली खाती है, तिलापिया मछली खाती है, कॉमन कार्प भी थोड़ा खाती है तो, और बकरी और गाय भी खाती है, हाई प्रोटीन फीड होता है अजोला। तो ये अजोला उगाने के लिए काफ़ी अच्छा है और इसमें ऊपर से ग्रीन नेट का शेड दिया जाता है या किसी कपड़े का शेड दीजिए तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रहे तो ज़्यादा अच्छा ग्रो करती है अजोला। और ये 1800 रुपये का है, 12x6 इसका साइज़ है। दोस्तों अगर आप भी छोटे से तालाब से मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो मछली पालन और इस तरह के और वीडियो के लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।